हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी तहरी, इसको तारी भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या चाहिए। तो हमने सबसे पहले सारे खड़े गरम मसाले जो हैं वो ले लिए हैं। इसका हमें अच्छे से पाउडर बनाना है। तो ये हमने ताज़े गरम मसाले फ्रेश कूट लिए हैं, मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं ताकि इससे अच्छा फ्लेवर आए। और अब हम अपना मटन जो है वो मैरिनेट करेंगे। तो अराउंड 1 kg मटन हमें लेना है और उसमें अब हम ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये अब हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और ये कुछ 2 से 3 टमाटर काट के हमने ऐड कर दिए और कुछ हरी मिर्च। हरी मिर्च ये ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ की है। अगर आप तेज़ वाली हरी मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको कम क्वांटिटी में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हमने 1/2 लेमन का जूस इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये 2 टेबलस्पून हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। खटाई के लिए हम इसमें दही यूज़ कर रहे हैं तो अराउंड 2 टेबलस्पून हमें दही लेना है। और इस को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें अराउंड आधे घंटे के लिए रख देना है। तो अब हम कुकर में ऑयल गर्म करेंगे। तो ये हमने 3 टेबलस्पून ऑयल गरम किया है, उसमें कुछ खड़े खड़े गरम मसाले डाले हैं, शाही जीरा हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे। और अब इस पॉइंट पर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो 3 से 4 मीडियम साइज़ के हमें प्याज लेने हैं। और जब हमारे प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो उस पॉइंट पर हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। तो प्याज हमने फ्राई करके अलग से नहीं निकाली। और ये अब हमने जो गरम मसाला पीस लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। और उसके बाद हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और फिर 15 मिनट के लिए सीटी लगा देंगे इसको लो फ्लेम पर। और फिर 15 मिनट बाद चूल्हा ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, अब ये 15 मिनट बाद मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने इस पॉइंट पर मटन को चेक कर लिया है। तो इस पॉइंट पर आप मटन को चेक कर लीजिए और इसी पॉइंट पर आप इस बैटर को अच्छी तरह से टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको नमक या मिर्च कम लगे तो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारा मटन था ये मैंने एक दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें देखिए अब बॉईल आ रहा था तो मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। तो हम 1 kg मटन ले रहे हैं तो हम 1 kg ही चावल लेंगे। और चावल को हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और चावल का 1.5 गुना ज़्यादा हम पानी यूज़ करेंगे। तो ये हमने, अब देखिए पानी में बॉयल आने लगा तो हम इसमें बासमती चावल ऐड कर रहे हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और तहरी बनाना चाहते हैं तो आप मटन की जगह वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आपको जो भी पसंद हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए अभी इसमें बॉयल आ रहा है तो अभी हम इसको और अच्छे से पकने देंगे। अभी चावल कच्चे हैं तो 10 से 15 मिनट हमने इसको और पकने के लिए दिया। और ये देखिए ये अब इसका मॉइस्चर काफ़ी सूख गया है तो अभी हमें इसको थोड़ा सा और पका लेना है ताकि मॉइस्चर और थोड़ा सूख जाए तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखिए मॉइस्चर सूख गया तो अब हमने इस पे इसको बिल्कुल लेवल कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर। तो यहाँ पे आप चाहें तो लेमन कलर एक आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। और ये अब कुछ केवड़ा वाटर के ड्रॉप्स इसमें ऐड कर देंगे अरोमा के लिए। और ये गरम मसाला हम डाल देंगे और थोड़ा सा बिरयानी मसाला। और इसको अब हम दम दे देंगे। तो हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। और ये देखिए 15 मिनट बाद जब हमने दम खोला तो कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने तहरी बनाई लेकिन ये बहुत टेस्टी बनी थी। और इसके ऊपर हमने सिर्फ सिंपल गार्निशिंग रखी है पुदीने के पत्ते की। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।